ये आज सारी गलियां थूमंतर गली जैसी क्यों मिल रही है? हैं? तो लाया आपको तिब्बतियन मार्केट के अंदर, लाए किसने तो बता दे। खाना खाने मुझे यहाँ पे एक अकेला आया था कि तिब्बत जैसा लगता, तिब्बत जैसा लग कर रहा, पहले बता दे। लोग देख ज्वेलरी टाइप और वगैरह, ये देख शूज वगैरह जो मिलते हैं उनके टाइप के कपड़े पहनते हैं, ये देख ले यार क्या बात कर रहा है, पूरा लग तो रहा है। मेरा भाई मुझे एक अकेला आया था कि पूरा तिब्बत लगता है, तिब्बत मैं देख रहा हूँ का तिब्बत लगता है, बट गलियाँ आज सारी तक सारी गलियाँ तंग है, आज तिब्बत लगने लग गया। वैसे यहाँ पे लोगों को देख के और यहाँ पे जो प्रोडक्शन उनको देख, ये सारे तिब्बतन प्रोडक्शन और ये तिब्बतियन है, तिब्बतियन है। हाँ ऐसे मार्केट तो अच्छी है, यहाँ पे आप शूज़ भी खरीद सकते हो, नॉर्मल ग्रोसरी का सामान, मोमोज खाए जा सकते हैं उनका जैसे यहाँ पे। हाँ ट्राई करेंगे पहले, लेकिन जो इनके जो टेंपल है, अच्छा टेंपल है, हाँ वो देखेंगे वो टेंपल। अच्छा बेसिकली तिब्बतियन मार्केट इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनके टेंपल्स हैं, यहाँ पे यही रीज़न है। मैंने इतने नहीं बोला तिब्बत, इसको बोलते मजनू का टीला, बस इतना पता है। लेकिन कुछ तो लॉजिक होगा ना इसके पीछे, पढ़ना पड़ेगा। देखो भाई ब्लॉग कर रहे हैं हम, ब्लॉग कर रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पता, वो खुद वो सर्च करके ना सब टाइटल में डाल देंगे, हम खुद ही डाल देंगे। बट हम आए थे यहाँ पे गलियाँ देखने, आपको दिखाने की तिब्बतियन मार्केट लगती कैसे है। ये मैंने भी नहीं देखी थी, ऐसे बताऊँ बहुत छोटी छोटी गलियाँ, ये तिब्बतियन मार्केट लगती इसलिए बेसिकली क्योंकि गलियाँ छोटी है। अब यहाँ पे उनका ट्रेडिशन दिखाता हूँ आपको तिब्बतियन, अगर आपको ये शॉप करना है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, टेम्पल का सामान ये रहा, ये पूरा तिब्बतियन कल्चर आपको यहाँ पे, कारपेट्स और मास्क, कोई हमसे बात नहीं कर रहा क्या हो गया, अब हमें आउटसाइडर जैसा फील हो रहा है। गलियां, ये गलियों में घूम रहे हम, यहाँ पे आपको शूज, ये क्या है, ज्वेलरी वगैरह, ज्वेलरी है तिब्बतियन, बट गलियां गलियां देखते हैं छोटे छोटे, ट्रेडिशनल वो है, मतलब सब मिल जाएगा। मतलब आज हमने सिर्फ डेकोरेशन के लिए आपको मिल जाएगा, क्या है पंकज, वॉल हैंगिंग है, तिब्बतियन वॉल हैंगिंग, ये देखो कल्चर, ये लैंग्वेज है पंकज, सिंबल्स होते हैं ना, हाँ जो ट्रेडिशनल होते हैं सिंबल्स, ये हमारे डायरीज वगैरह होता है। हम दुकान के अंदर नहीं जा रहे क्योंकि हम फालतू का टाइम पास नहीं कर रहे, हम बार बार से दिखा रहे हैं आपको, आप आके खुद खरीद लेना। देखो बिल्कुल तिब्बतियन कल्चर है सर यहाँ पे, यहाँ मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं भी दिल्ली के अंदर, मुझे नहीं लग रहा फर्स्ट टाइम आया हूँ, बट यहाँ की गलियाँ चलती जा रही है, क्राउड है ना मैक्सिमम, यूपी का क्राउड है, तिब्बतियन का क्राउड है सारा, मैं कहता सब लोग सब चीजें यहाँ पे तिब्बतियन के हिसाब से, लेकिन जो कुत्ते वो अभी भी यहाँ पे देसी घूम रहे, लग नहीं रहा, लग नहीं रहा कि दिल्ली की मार्केट है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं चाइनीज चाइना में किसी एक छोटी मार्केट में हूँ, वहाँ के लोकल मार्केट में। यहाँ पे जो नूडल्स हैं जो सामान भी मिलता है, इस पर लैंग्वेज पंकज कौन सी है, जो भी हो बट अपने यहाँ तो कहीं मिलते नहीं, ये सारी लैंग्वेज आप देखोगे ना प्रोडक्ट्स के ऊपर भी, प्रोडक्ट्स के ऊपर जो लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज है अंग्रेजी में लिखा हुआ है बट है कुछ और, तो यहाँ पे आपको फीलिंग आएगी भी, मतलब थोड़े बहुत इंडियंस दिख जाएंगे, ऐसा लगेगा कुछ इंडियंस यहाँ पे घूमने आ रखे हैं। टी दी रेस्टोरेंट भी है, अब इसके अंदर जाके देखेंगे, ये रहा टी दी रेस्टोरेंट, डोलमांटी के रेस्टोरेंट ट्राई कर सकते हैं, चलना है डोलमांटी तो लाजपत नगर में एक, ये ओरिजिनल है क्या, कुछ खाने के लिए भी रेस्टोरेंट देखते हैं, मोमोज से पेट तो भरेगा नहीं, तो भूख लग रही है, इसी पे चलना चाहिए टी दी पे, चले एक बार ट्राई अंदर, हम जा रहे हैं नॉर्थ इंडियन खाने, शाही पनीर, लेकिन अंदर देखते क्या मिलेगा। वेज मेन्यू तो मिल गया हमें यहाँ पे, रेट भी रीजनेबल ही लग रहा है, अगर आप देखोगे तो पूरा नॉर्थ इंडियन खाना है, हम तो एक्सपेक्ट कर गए थे खाली तिब्बतियन खाना मिलेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, एक राइस मिल जाएंगे, वेजिटेबल है पूरा नॉर्थ इंडियन में आपको, बीन्स मिक्स्ड वेज, दम आलू, वेज मंचूरियन, दाल फ्राई, दाल मखनी, सब मिल जाएगा। वैसे मैं मोमोज खाता नहीं, बट अगर तिब्बतियन मार्केट में आके मैंने फिर शाही पनीर खा लिया तो कोई मज़ा नहीं है, तो इसलिए मैं नॉर्थ इंडियन खाऊंगा और मोमोज भी ट्राई करूंगा, नूडल्स भी ट्राई कर सकते हैं खाने को, सिर्फ ट्राई करूंगा। तिब्बतियन रेस्टोरेंट में आके हमें ये पता चला रोटी के नाम पर आपको मिलेगा टिक मोमो, टेस्ट करेगा, कश्मीर की लिखी है, एप्पल बियर है। मुझे पंकज यहाँ पे आ गया, पता है कैसा लग रहा है कि मतलब मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं किसी टूर पे आया हूँ, मतलब तिब्बत के टूर पे आया हूँ, कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे कुछ इंडियंस है जो हमारी हेल्प कर रहे हैं खाने पीने में, तुक्के से हमें दाल मिल रही है, ठीक है। मुझे तिब्बत पता है क्यों लग रहा है, देख पीछे पूरा तिब्बत है, दाल मखनी, कहता पंकज क्या बोलते हैं इसको, एक्चुअली ये तिब्बतियन रोटी है,
भाई इस रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस जो रहा, एक्सपीरियंस ये रहा कि आपको दाल मिलेगी, सफाई मिलेगी, लेकिन आपको चटनी प्याज नहीं मिलेगा, लेकिन दालों के अंदर दो कंकड़ भी मिले हमें, जो कि हो सकता है इनका बैड लक हो या हमारा बैड लक हो, ठीक है। बस जो चटनी प्याज के शौकीन है हमारे जैसे वो कभी ना जाए इस रेस्टोरेंट के अंदर, क्योंकि चटनी प्याज नहीं मिलेगा। जब हम चटनी प्याज पूछ रहे हो हमें कैसे लग गया जब हम पता नहीं कहाँ से आए, इन गलियों से आए तो उन गलियों से वापस जा रहे हैं। अच्छा ये तो वो टेम्पल है ना, मतलब मैंने सुना था मजनू का टीला तिब्बतियन मार्केट, बट मजा इसलिए आ गया क्योंकि मुझे दिल्ली के अंदर ही नहीं लग रहा कि मैं दिल्ली के अंदर हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है बाहर की ट्रिप पे है। हेलो गाइस, वी आर एंडिंग दिस व्लॉग, आज के दिन का दूसरा व्लॉग था, इस वाले व्लॉग को एंड कर दे। बाय बाय।